स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आरोग्य मेला, कोविड-19 के वैक्सीनेशन तथा आयुष्मान भारत कार्ड बनाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी विभाग आपसी सामंजस्य बैठाकर शासन के स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और लक्ष्य को पूरा करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, करें और इसमें कोई कोताही मतलब नहीं जाएगी। पहले तो रिस्पांसिबिलिटी क्लियर हो जाए किसकी क्या है, एमओसी की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, आयुष्मान मित्र की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, जिले लेवल पे जो मॉनिटर कर रहे हैं उनकी क्या है, सीपीएम की क्या रिस्पांसिबिलिटी, ये सब क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वहीं पे सर वो काम करना शुरू करते हैं, हमारी आशाओं को बाद में संपर्क करना चाहिए। जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है जिससे आशा तक कि उनको मदद मिल जाए। कैसे आशाओं को और बीएमबी को और सचिव और लेखपाल, ये चार जो विलेज लेवल फंक्शनरी है, इनको कैसे एक पेज पे लाया जाए? संगनी को दिलवा दे रहा है, ठीक है, संगनी डायरेक्ट उनको कोऑर्डिनेट करेगी, कोई कार्ड नहीं। अच्छा, दूसरा एक और इसमें एक दिक्कत और आ रही है, हाँ, बीएमबी प्रिंट आउट नहीं दे रहा है। नहीं, ये मैं बोलने लगा था, यही चीज में ताकि हम लोग सीएससी प्रभारी जो 15 दिन से डिले है मुझे और वो बीएलबी के पास भी है सर, हमारे सर्च लोग के पास भी है वो माइक्रो प्लान, हमारे एचओ के पास तो प्रोग्राम होते हैं सर, उनके पास भी ये माइक्रो प्लान है। हमने बोला है सर, मैं हमने उनको बोला है कि आप कल प्लान है तो आप शाम को एचओ सर को इन्फॉर्म कर दें कि हम कल ब्लॉक में प्रॉब्लम हुई, कोऑर्डिनेशन किया, कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज मीटिंग की गई है, अभी जो वैक्सीन का हमें पहले हमने 6 जगहों पर ड्राई रन किया था, अब उसका स्केल बढ़ा के पूरे जनपद में ड्राई रन करना है, तो उसी के लिए जो हमारे बाकी अलग अलग विभाग उसमें हिस्सा लेंगे उनका हमने कोऑर्डिनेशन के लिए सबका दायित्व फिक्स किया गया है। क्या निर्देश दिया सर, कितने बूथों पर होगा ऐसा? हाँ, इस बार जो होगा हमारे सारे सीएचसी पे हम लोग जाएंगे, उसको कवर अप करेंगे, और जो उसके अलावा हमने जो है ये आयुष्मान कार्ड जो बन रहे हैं इसमें जो हमारे सीएचसी के एमओसीज हैं उनके लिए भी निर्देश जारी किया है कि आपकी जिम्मेवारी है इसको कम्प्लीट करिए, और हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं, और पिछले 15 दिनों में हमने 12,000 कार्ड बनाए हैं, 12,000 से ऊपर कार्ड बनाए हैं, लेकिन उसको हमें डेली 5,000 का टारगेट मैंने फिक्स किया है कि सब लोग बनाएंगे और आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी लाई जाएगी। इसके अलावा आरोग्य मेला भी, उसके लिए भी मीटिंग की गई है, जिससे हमने प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनका भी सहयोग मांगा है, और उन्होंने कमिटमेंट दिया कि अभी जो आरोग्य मेला होगा उसमें वो लोग भी सहयोग करेंगे। सर कितने स्थान पर आरोग्य मेला लगेगा? जो आरोग्य मेला अभी इसके बाद जब आप सारों का सहयोग लेके अभी डिसाइड कर लिया जाएगा तो आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। सर आयुष्मान कार्ड में कितना का लक्ष्य है? आयुष्मान कार्ड में जो पूरे जिले का 15 लाख से ऊपर का लक्ष्य है, तो अभी हम उस पर लगे हुए उसको अचीव करने के लिए।